ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 19 अक्टूबर 2021 के। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की धारणा करने के लिए हम बच्चों को उच्च टाइटल देते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाए के लिए पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाए के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा अटेंशन राजाए के लायक बना देता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएंगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज मुरली में गीत हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज दादी प्रकाशमणि जी के साथ के अनुभवों को लेकर हम सबके बीच में हैं आदरणीय आत्म प्रकाश भाई मधुबन ज्ञान अमृत विभाग से, जो स्वयं कुशल लेखक है, जिन्होंने 1957 से बाबा की विशेष सेवाओं का कारोबार संभाला है। सुनते हैं उनके विशेष जीवंत संग स्मरण दादी जी के साथ के, आरजे श्री निधि भाई के साथ। सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम शांति।